Afternoon. A heartiest welcome to all of you in our another mindful parenting session by our parents coach, Mrs. Preeti Kovatra. Hello everyone. Director of Petals Group of Schools. Kaise hai aap sab? I hope you all are fit, happy and healthy. Today's topic is again a very sizzling parenting topic. I mean, har ghar mein ye hota hai. एंड इसी के रिलेटेड हमारा अब सेलिब्रेशन भी आने वाला है, रक्षाबंधन, सेलिब्रेशन ऑफ बॉन्ड, लव, प्रोटेक्शन. बट मैम, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, सिबलिंग इशूज, सिबलिंग राइवलरी इन ऑल दी होम्स. बट हाउ टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम? ऑलमोस्ट सबके घर में है टू ब्रदर्स, टू सिस्टर्स, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, और दोनों में से कोई एक तो थोड़ा सा आगे होता है. Yeah, you know, either the child is really nice in socializing और mother को बड़ा अच्छा लगता है because he's prim-prom, दोनों में से, और either the child academically is better than the other one. हमें कोई compare करे तो बड़ा गुस्सा चढ़ता है, but हम खुद ही अपने दो बच्चों को compare करके, how to go about it, ma'am? See, आप बात कर रहे हो sibling rivalry की, right? See, sibling rivalry या आपस में भाई बहन की fight is absolutely normal. First of all, तो we have to accept. We do take little time to accept this. हमें थोड़ा समय लगता है बात करने, accept करने में. इसी तरह बच्चों को भी समय लगता है new person को accept करने में. हमारे ही जैसा कोई हम एक family में एक और आ जाए जिसको ज़्यादा importance मिल रही हो, तो हम easily accept नहीं करते. हाँ, नहीं करते. नहीं करते. We don't. तो we have to first of all accept it is very normal to have this. We cannot eliminate it altogether. हम बिल्कुल नहीं हटा सकते इसको. हम ये नहीं कहेंगे कि पेरेंट आप लोग बिल्कुल इसको हटा सकते हैं, बट हाँ, मिनिमाइज कर सकते हैं इसको. मिनिमाइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है. सपोज आपका जो एल्डर वन है न्यू वन आते ही फैमिली के अंदर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर कर रहा है, थम्स अप करना सपोज स्टार्ट कर देता है, बात बात पे क्रैंकी हो जाता है. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सारा दिन स्लीपी फील करते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं हमें सारा दिन गोदी में उठा के. दिस आर द सिम्टम्स यू आर टॉकिंग अबाउट. यस, उनको इनसिक्योरिटी फील होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज दो साल के बच्चे को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती. अभी तक तो मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, ऑल ऑफ अ सडन मैं एल्डर हो गया. अब आप एल्डर हो तो आप ऐसे बिहेव नहीं करोगे, अब लिटिल वन आ गया तो आप ऐसे नहीं बिहेव करोगे, मम्मा को उसको ज्यादा टाइम देना है. ये सब रॉन्ग सेंटेंसेस है. We want him to become more responsible. बट अगर आप उसको भी उतना ही प्यार और बच्चे की तरह रखोगे तो आई थिंक वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनेगा. बट हम करते क्या है, इससे पहले कि वो इसको एक्सेप्ट करे या रिकॉग्नाइज करे कि मैं बड़ा हो गया हूँ या मेरे पास लिटिल वन आया है, हम उसके साथ डिफरेंट बिहेवियर खुद ही शुरू कर देते हैं. जबकि वो नन्हा बच्चा तो अभी चाहता भी नहीं इम्पोर्टेंस, वो बिल्कुल नहीं चाहता. लगी डजंट इवन नीड इट. यस, बट जहाँ पर दो या तीन साल का गैप होता सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर आती है. जब दो तीन साल के गैप में मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है जब सेम जेंडर होता है. दोनों बॉय हो या दोनों गर्ल्स हो तब तो उनको बिल्कुल ही हम सेम सेम लगते हैं ना, और मैं बिल्कुल एक जैसे. फिर उसको ज्यादा प्यार हो, मेरे को कम प्यार क्यों? ठीक है ना. तो बच्चे कैसे अपनी जेलसी शो करते हैं, खेलते खेलते उनको हिट कर देते हैं, जब मम्मा नहीं देख रही उनको पिंच कर देते हैं, उनकी दूध की बॉटल से ही उनको दूध पीना है. जैसे वो बिहेव कर रहे हैं वो वैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनको लगता है कि मदर की अटेंशन उसको मिल रही है तो मुझे भी मिलेगी. राइट, बेसिकली दे वांट्स द अटेंशन, दे वांट दैट अटेंशन ऑफ द मदर, इक्वल अटेंशन ऑफ द मदर. सो एवरी चाइल्ड इज लुकिंग फॉर सेम लव, केयर, अटेंशन एंड अप्रूवल फ्रॉम द पेरेंट्स, व्हिच इज द मेन रीजन ऑफ दिस सिबलिंग रिवलरी. मैम, सिम्टम्स आपने हमें बता ही दिए, द चाइल्ड वांट्स द सेम थिंग्स टू हैपन. यस, चाइल्ड विल रिएक्ट, उसको सेम वही अटेंशन चाहिए जो उसको मदर से मिल रहा हो. मैम, हमें पता है that we are gonna make a newly born enter in the family. So how can we prepare our elder one? Very important and very good question. You need to prepare your elder one immediately. That आप उसको पहले नहीं बता सकते because a child cannot understand for 9 months. He cannot wait for this much. But yes, 1 or 2 months before the delivery, you can discuss with the child that new one is about to come in a family. He will eat more, he will sleep more, mama need to spend little more time with him, he cannot take care of himself, you know. You can prepare the child and you can tell the child that we both will take care of him. He is too small that he cannot drink milk himself, so we both will take care, we will help him to give him a bottle, we will change his diaper together.
तो यू कैन मेक हिम अ पार्ट ऑफ योर फैमिली. इट्स लाइक कि अब तुम पीछे हो जाओ, छोटा बेबी आ गया, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा. कितने पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं उसको किस मत करो, इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको टच मत करो, इन्फेक्शन हो जाएगा. बट डोंट डू लाइक दिस, ठीक है ना. वो भी उतना ही है, रादर उसको प्रिकॉशन सिखाएं कि हैंड सैनिटाइज करके यू कैन टच, क्योंकि आप भी तो टच कर रहे हो ना. अब अगर आप बच्चे को बड़ा कह रहे हो तो आप दोनों सेम हो, राइट. तो उसको उसकी फैमिली का पार्ट बनाए रखें. पहले तो वही आपके लिए सब कुछ था, अब ऑल ऑफ अ सडन ही वो आने वाला है, तो आपको लग रहा है कि वो बड़ा हो गया, उसको प्रिपेयर करें. और कितने पेरेंट्स ऐसे भी करते हैं, जैसे ही बेबी बॉर्न होता है, बड़े वाले बच्चे को दूसरे बेड पे सुलाना शुरू कर देते हैं, तो बच्चे को लगता है उसने मेरी जगह ले ली, राइट. तो अगर आपको ये प्रैक्टिस करनी है तो आप 2 months बिफोर ये प्रैक्टिस करें कि लिटिल वन नीड मोर अटेंशन सो यू कैन स्लीप ऑन दिस साइड, राइट. तो इसीलिए आपको जितनी भी ऐसी उसका बेड टाइम रूटीन चेंज करना है तो 2 महीने पहले चेंज करें. और जब मदर हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो आप बच्चे को एक बार मिलवाने के लिए भी जा सकते हैं कि दिस इज हाउ एवरीबॉडी इज लिटिल वरीड टेंस और प्रिपेयरिंग फॉर द लिटिल वन टू कम. यू कैन आस्क हिम टू प्लेस बलून्स इन द हाउस सो दैट ही इज रेडी फॉर द वेलकम. तो यू हैव टू प्रिपेयर द लिटिल वन. ये नहीं कि आप उसके आने से आप उसको बिल्कुल भूल जाओ, अपनी ही टेंशन में आप लोग इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं. हम अपनी ही टेंशन में इतना इन्वॉल्व होते हैं कि हम उसको भूल जाते हैं. मैम अब सिबलिंग राइवलरी हो गई हमारे घर शुरू हो गई, राइट. लाइक दो बेबीज हैं और वी कैन सी हाउ कैन आई हेल्प आउट. अब मैं इसको कैसे दूर करूं. नो मदर वॉन्ट्स इंटेंशनली के ऑब्वियसली वो दोनों उसकी आंख के तारे हैं, बट देन दोनों तारों में से किसी एक को लगता है कि नो ममा यू आर मोर इन फेवरेबल, आपने मुझे पैदा ही क्यों किया. अक्सर बच्चे आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे गेट टू नो कि आप क्योंकि बड़ा वाला छोटे को चढ़ाता है, वी टुक यू फ्रॉम द बास्केट नियर द यू नो डस्टबिन, सो आप वहां से आए. ये हर घर की मैम बड़ी कॉमन कहानी है. एंड दे गो वेरी अग्रेसिव. मैं अपना ही एग्जाम्पल ले रही हूँ. दोनों में से कोई एक तो मैम होगा जो थोड़ा डिसिप्लिन होगा, तो मदर इज लाइक लिटिल मोर हैप्पी कि आप इसके जैसे बनो, टाइम पे उठो, टाइम पे करो. बट अब अगर मैम सिबलिंग राइवलरी शुरू हो गई, हाउ कैन वी हेल्प यू नो द थिंग्स टू सॉर्ट आउट. सी पहले तो सिबलिंग राइवलरी आपको समझना चाहिए बहुत नेचुरल है. मैंने पहले भी बोला बिल्कुल नेचुरल है, एक्सेप्ट करो. एग्जैक्टली एलिमिनेट आप कर नहीं सकते, पूरी तरह नहीं हटा सकते. तो अब जब स्टार्ट हो गई है, पहले तो हम ये बात करते हैं कि जब वो घर में आ जाता है तब क्या करना चाहिए. जितनी भी बातें हमने बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए करी है ना, वो सारी बातें वो करनी भी चाहिए जब वो आ जाए. आप छोटे छोटे कामों में उसकी हेल्प ले सकते हैं. प्लीज पास द शीट, प्लीज हेल्प मी टू टाई द डायपर, और प्लीज क्लीन दिस प्लेस, स्मॉल स्मॉल थिंग. बट बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते. ये तो बड़े वाले को लगेगा मैं को इसके काम करने के लिए. ये भी हो सकता है, वैसा वैसा भी हो सकता है. तो यू नीड टू टेक केयर एंड यू नीड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन बोथ द सी बोथ द चिल्ड्रन एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ द इमोशनल वेलबींग ऑफ द एल्डर वन विच इज ऑन अ वेरी इनसिक्योर स्टेज एट दैट टाइम. यू नीड टू एक्नॉलेज हिज और हर फीलिंग. अगर तो आपको लग रहा है कि बड़ा वाला जैसे मैंने पहले भी सिम्टम्स बताए, गुस्से में चीजें थ्रो कर रहा है, या घर के बाकी लोगों के साथ नहीं खाना खा रहा कि मुझे खाना नहीं खाना, टेंट्रम थ्रो कर रहा है, फूड के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसका मतलब यू नीड टू सिट विद द चाइल्ड. ही नीड्स योर मोर लव, अफेक्शन, अटेंशन. तो आपको उसके साथ बैठ के उसे बात करनी पड़ेगी कि आई कैन अंडरस्टैंड यू आर फीलिंग एंग्री, आई कैन अंडरस्टैंड यू आर अपसेट, बट ही नीड्स और शी नीड्स मोर मोर टाइम. और यू कैन स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद द एल्डर वन ना. जब छोटा बेबी सो रहा है तब आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, जब छोटा बेबी किसी कोई और संभाल रहा है तब आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो. एटलीस्ट 10 minutes इन अ डे मेक्स अ डिफरेंस. मैम ये तो बात होगी छोटा बेबी की, व्हाट अबाउट अब जो टीनेजर्स हमारे घर में दो है, है ना. नंबर ऑफ पेरेंट्स हैव टीनेजर्स, बॉय गर्ल, बॉय, यू आर राइट, सेम जेंडर के होते हैं तो कॉम्पिटिशन हो ही जाता है दैट ही इज लिटिल मोर एक्टिव देन यू एकेडमिकली और सोशली. बट देन हाउ टू गो अबाउट इफ अ टीनेजर्स वी हैव एट आवर होम, और हम ना चाहते हुए नोबडी अमंग्स अस वांट कि हम उनके दिल में यू नो ब्लूप्रिंट्स छोड़े बुरे. कितनी मूवीज आ रही हैं आजकल जिसमें दिखाया जा रहा है कि बचपन में जो पेरेंट बच्चे पे इम्पैक्ट छोड़ता है वो इट कॉन्टिन्यूज टिल द टाइम इज द चाइल्ड इज 30-35. So how to go about कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा कुछ ना हो. It's a lifelong impact. It's a lifelong impact. So what we do with our kids, it gives a lifelong blueprint. So if we don't want to print any wrong blueprint, ma'am, so how to you know आपके भी सिबलिंग है मेरे भी सिबलिंग है, बट कहीं ना कहीं ऐसे हो जाते हैं. हमारे में भी ऐसे होता है, because difference between my brother and mine is hardly
10 months, 10-11 months तो ये होता था कि पापा के पास मुझे ही रहना है और वो यंगर वन था तो उसकी भी था डिमांड, ये होता था, इट्स वेरी नेचुरल. बट सी, जब आप टीनेजर्स की बात करते हो या किड्स दोज आर ग्रोन अप, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच पेरेंट नीड टू टेक केयर इज प्लीज डोंट इंटरफेयर. अच्छा, वो 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद फाइट करके फिर फ्रेंड्स बन जाएंगे और हम लेक्चर शुरू कर देते हैं. आप जिसकी भी साइड लोगे, एक की तो साइड लोगे ना उसको सॉल्व करने के लिए, जिसकी साइड लोगे दूसरे वाले के लिए आप बुरे हो जाओगे और दूसरे वाला कहेगा आप उसको ज्यादा प्यार करते हैं. तो इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम इट, राइट. बट उनको एक बात क्लियर होनी चाहिए, हिटिंग इज नॉट अलाउड. ये घर का सिस्टम होना चाहिए, रूल होना चाहिए. अनलेस एंड अंटिल हिटिंग इज नॉट अलाउड, फिर जितना मर्जी फाइट करो, आप लोग पिलो फाइट करो, वर्बली फाइट करो, डोर बैंग करो, या आप अपने लिमिट में रह के करो, ठीक है. तो यू आर नॉट सपोज टू इंटरफेयर अनलेस एंड अंटिल लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हो रहा. अगर कोई किसी को शार्प आइटम से हिट कर रहा है या कोई सामान उठाकर फेंक रहा है, तब पेरेंट्स को इंटरफेयर करने की जरूरत है. अदरवाइज प्लीज डोंट इंटरफेयर. जो बच्चे होते हैं वो 10 मिनट में सारे नेगेटिव इमोशन साइड पे करके एकदम फ्रेंड्स बन जाते हैं. और जहां पेरेंट इंटरफेयर करते हैं ना, वो पेरेंट हमेशा इंटरफेरेंस दो ही चीजों के लिए करते हैं, कंपेयर करेंगे और एक बंदे की गलती रियलाइज कराएंगे. और जो दोनों ही गलत है, ना है हमें किसी की गलती रियलाइज करानी है, उसको अटेंशन देनी है, और ना ही हमें कंपेयर करना है. आप कोई भी फाइट सॉल्व करने के लिए दो ही बातें करेंगे, या कंपेयर करेंगे या उसकी गलती रियलाइज करेंगे. और कोई भी बच्चा ना अपनी गलती सुनने के मूड में होता है उस टाइम, और ना ही कंपेरिजन किसी को अच्छा लगता है. तो इट्स बेटर नॉट टू इंटरफेयर, लेट देम बी एज दे आर. 5 मिनट बाद आप देखोगे फिर वो चिप्स का पैकेट शेयर कर रहे होंगे, फिर वो मम्मी पापा के खिलाफ बोल रहे होंगे कि ये दोनों तो हमें तंग करते हैं, हम ऐसे अच्छे हैं. किसी फाइट में घुस के ये कहना कि छोटा है उसको तंग मत करो, तब भी तो हमने ये बता दिया कि वो छोटा है. हाँ. और हम जब ये करते हैं तो हमें रियलाइज ही नहीं, आपने बोला तो अब मेरे दिमाग में आया कि हम घुस के ये बताते हैं बड़े को कि वो छोटा है. बड़े को ये लगता है वो छोटा है तो क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है? छोटे को लगता है कि मैं क्यों छोटा, कब तक छोटा रहूंगा, मैं कब तक छोटा रहूंगा. सो शी इज एब्सोल्युटली राइट. अगर इंटरफेयर ही ना करे, और ये तो फैक्ट पक्का है कि मैम 10 मिनट बाद चिप्स का पैकेट शेयर हो है ना, कितनी भी घमासान लड़ाई क्यों ना हो जाए. हाँ, they are together. पेप्सी के लिए they are best friend. पापा मम्मी को आउटिंग के लिए मनाना है, they are best friend. कोक के लिए, पिज़्ज़ा के लिए, they are best. आपस में बैठ के प्लानिंग होती है बच्चों की, हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन. देयर इज नो नीड टू डू इंटरफेरेंस इन दैट, रादर डू रोल प्ले विद देम. कि अगर हम लोग आपस में फाइट करें तो तुम्हें कैसा फील होगा, और अगर स्टिल आपको लगता है, तो रोज दिखता है उनको रोल प्ले ऑलमोस्ट सेकंड डे मैम. अगर बच्चे इमोशनली इम्बैलेंस भी हो रहे हैं तो अकेले में बैठ के बात करें, बिकॉज दोनों बच्चे अपनी एज के अकॉर्डिंग बड़े हैं. कोई भी बच्चा हमेशा छोटा नहीं रहता. तो प्लीज दोनों को इंडिविजुअली हैंडल करें, क्योंकि हर बच्चा इंडिविजुअल है. हर बच्चे को अटेंशन और अप्रूवल चाहिए. बड़े बच्चों को इंडिविजुअली हैंडल करें, प्लीज डोंट इंटरफेयर इन दैम. आई थिंक दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स. I suppose की हो गया ये तो आज का हमारा मैम. That sibling rivalry is very common. Yeah. It has to happen in every home. जिस घर में नहीं हो रहा वो घर normal नहीं है. Oh my god. मतलब ये तो होगा ही होगा. So we must take it very lightly. और अगर ये हो रहा है, so the best thing which I found today was not to interfere. ये तो कभी दिमाग में ही नहीं आया. यहाँ आवाज आई नहीं, and the mother is supposed to bang the door and give lecture of 2-3 minutes, come back. अगर हम दरवाजा खोले ही नहीं, हाँ, but that is there. कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होना चाहिए, कोई बच्चा किसी को हिट ना कर रहा हो, लेट्स नॉट ओपन द डोर. एंड थर्ड आई रियली लाइक दिस, दैट इफ आई हैव अ प्रॉब्लम विद द एल्डर और द यंगर वन, आई मस्ट टॉक टू हिम सेपरेटली, लाइक वी डज इन आवर स्कूल. यस, वी आर नॉट, इफ आई हैव अ प्रॉब्लम विद द टीचर, वी आर नॉट अलाउड टू स्पीक इन द कॉरिडोर और इन फ्रंट ऑफ नेक्स्ट 5 टीचर्स. वी हैव टू टॉक टू हर सेपरेटली इन हर रूम, कीपिंग केयर ऑफ हर डिग्निटी. सो हियर ऑल्सो, if we are talking, if we have problem with the elder one, hame usse separate, I hope usse usko lagega ki yes you know, you are taking care of my self esteem. Yes. So next time he will also take care of yourself. Ma'am, but wo hamari parenting itni, wo itna hamare blood mein aa chuka hai na, chalte firte tokna bolna. We have to be a conscious parent. Yes, we have to be a conscious. That is why we have started this session. Yes. That each house and each parent should practice conscious parenting. Don't be unconscious, because you are nurturing the future. So take care, you have to take care of the emotional well-being of a child also. A strong, emotionally stable child can take good decisions, will become more successful, can think more creatively, alternatively, everywhere he will perform well. Thank you.
Thank you so much, ma'am. Most welcome. We are coming up with a beautiful celebration of Raksha Bandhan. May you have a very beautiful Raksha Bandhan, a celebration of born love with the sibling at your home. And remember, it's a very common problem, sibling rivalry. And ignorance is the best policy. Keep ignoring, situation slowly, slowly will keep handling. Rather, we poke so much inside that the situation goes worse because of us, I suppose. Sometimes, yes. Thank you so much for being live with us. Stay tuned. And I know you're going to give us good number of likes, share and comment. See you very soon. And you all know our aim that only a happy parent can nurture a happy child. Because every child matters. Take care.